मोदी सरकार के 9 साल शासन काल के बाद अब पिछले कई महीनों से भारत की राजनीति करवट लेना प्रारंभ कर दिया। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा पहला अभियान था जिसने मोदी सरकार की नींद उड़ाई और कर्नाटक चुनाव में भाजपा की करारी हार आम जनता के सामने निकल कर आया। और मोदी सरकार के वादे जो अधूरे हैं और मोदी सरकार के नेताओं के बिगड़ेल बोल के कारण अब आम जनता भी परेशान और हैरान है। असम के मुख्यमंत्री हमेशा आपत्तिजनक बात करते हैं और इंडिया विपक्षी एकता के द्वारा नाम रखे जाने के बाद अब वो कहने लगे कि इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और इंडिया और भारत में भी उस मुख्यमंत्री ने फर्क बताना प्रारंभ कर दिया। अब आप सोच सकते हैं कि स्वार्थ की सिद्धि अगर ना हो भाजपा की तो वो भारत और इंडिया में भी फर्क करने से नहीं चूकते, यही नहीं थमते भाजपा के नेता। अब इंडिया नाम आने के बाद खलबली मच गई, नींद उड़ गई भाजपा की और भाजपाई के द्वारा दिल्ली थाना में 26 विपक्षी पार्टियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है और यह दर्शाया गया है कि इंडिया नाम देने से स्वार्थ सिद्धि होगी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए इंडिया नाम विपक्षी एकता के साथ इन लोगों ने नामकरण किया है, जबकि यह शॉर्ट नेम है, फुल नेम अलग है जो आप जानते हैं। इंडिया नाम आने से अब भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई, अब मोदी जी सख्ते में पड़ गए, असम के मुख्यमंत्री के बोल बिगड़ने लगे। कहीं न कहीं यह आप समझ सकते हैं कि विपक्षी एकता और राहुल गांधी के काम जो उसने जमीनी काम प्रारंभ की और जिस तरह कांग्रेस और राहुल गांधी ने भारत सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया तो कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रति आम लोगों का झुकाव बढ़ा है। इसी साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं जहां की सर्वे रिपोर्ट यह निकल कर आती है कि वहां भाजपा की हालत बद से बदतर है और जो लोकसभा का चुनाव 24 में होना है उस चुनाव के लिए विपक्षी कमर कस चुकी है और यह चट्टानी एकता देखकर भाजपा के नेताओं की नींद उड़ गई। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि इंडिया जीतेगा भारत जुड़ेगा, नारा है इंडिया जीतेगा भारत जुड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर यह नामकरण किया गया है और नामकरण के बाद खलबली बेचैनी जिस तरह देखी जा रही है तो आप यह कह सकते हैं कि 9 साल के शासनकाल के बाद यह पहला मौका है कि मोदी सरकार और मोदी जी में डर का माहौल पैदा हुआ है और 24 के चुनाव में हार जाने का डर सताने लगा जिसके कारण FIR तक की नौबत आ गई और भारत और इंडिया में भी फर्क करने लगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जो भारत इंडिया में भी फर्क करने लगे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए। जो 24 के चुनाव में जाना है तो क्या आपने किया और किस तरह के वादे आपने किए, इन वादों के आधार पर 24 के चुनाव में लोगों के बीच, जनता के बीच जाना चाहिए, न कि केवल आलोचना करके, FIR करके, विरोधी पार्टी को कमज़ोर करने के नियत से हर तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ना। क्या यह संवैधानिक है? क्या यह दमनकारी नहीं है कार्य? इस दमनकारी कार्य से अब आम जनता भी रुष्ट है और मोदी सरकार का अब 24 के चुनाव में जाना तय माना जा रहा है। आपको मेरी ओर से यह आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।